अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब जो इन्फेक्शन हम करने लगे वो एंकाइलोस्टोमी है। इससे सारे छोटे छोटे से इन्फेक्शन है जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए भी हैं। तो हम इनको जरा सा ऐसे फेक इनके फीचर्स क्या आ रहे हैं, देन जल्दी से मैनेजमेंट ये कर लेते हैं ताकि ये हमारा ये हो जाएंगे। तो इसके बाद विल बी लेफ्ट विद ओनली एक दो फंगल इन्फेक्शन और हमारा ये इन्फेक्शियस डिजीजेस का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अच्छा, तो एंकाइलोस्टोमियासिस, आपको पता है कि हुकवर्म भी होता है। हुकवर्म कहते हैं हम, दो इसमें आ जाते हैं, एक आपका आता है एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले और एक आता है निकेटर अमेरिकेनस। ठीक है, इनको हुकवर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी जब हम इनको इंजेस्ट करते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन की वॉल के साथ जिस तरह हुक अटैच हो जाती है, उस तरह ये जाके इनके आगे सकर्स होते हैं। अपने सकर्स इनके जो टीथ होते हैं इनके दांतों के जरिए ये अटैच हो जाते हैं वॉल के साथ और खून चूसते रहते हैं। इसकी वजह से ब्लड लॉस एनीमिया हो जाता है पेशेंट्स को क्योंकि ये खून चूसने वाले होते हैं, इस वजह से इनको हुक वर्म्स कहते हैं। दो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एंकाइलोस्टोमियासिस का वर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले है चाहे वो निकेटर अमेरिकेनस है। आपको बताया कि इनकी जो पूरी पैथोजेनेसिस है वो आपसे कोई पूछता नहीं है। ह्यूमन बींग्स का ही इंटेस्टाइन में जब आते हैं वहां से इनके एग्स सिक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं हमारी ही स्टूल्स में। उसके बाद वो किसी भी सॉइल में पड़े रहेंगे, वहां पर वो डेवलप होंगे। उसके बाद वो जब ओवल और लार्वल फॉर्म में मतलब आ जाएंगे, अपनी लार्वल फॉर्म में आएंगे। लार्वल फॉर्म में जब वो आ जाते हैं तो बस ये याद रखना की एमसीक्यू में बात आती है कि ह्यूमन के अंदर जब इन्हें इन्फेक्शन करना होता है तो ये आते हैं थ्रू स्किन। ठीक है, फुट की स्किन के जरिए, ये आपके पाओं की या लेग्स की स्किन के जरिए ये डायरेक्ट स्किन को पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ये वो नहीं है कि आप मुंह से इंजेस्ट करेंगे, ये बात क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों से, तो आपने ये जहन में रखनी। ठीक है, कि ये जब इनका जो लार्वा है वो ह्यूमन की स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और जब वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं वहां से वो ब्लड में आते हैं, ब्लड के जरिए वो लंग्स में पहुंचते हैं। सबसे पहले लंग्स में आएगा, लंग्स के अंदर हो सकता है अगर वर्म लोड बहुत ज्यादा है तो लंग्स में भी इन्फेक्शन करता है, कफ होता है, ब्लडी स्प्यूटम आता है, लेकिन इतना ज्यादा लंग्स को नॉर्मली इन्फेक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लंग्स से जब हम खांसी करेंगे तो वो मुंह में जाएगा और ओरल कैविटी से वो हमारी इसोफेगस में हम उसको इंजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू ही आप उसको इंजेस्ट करते हैं, अपनी ओरल कैविटी में आते हैं और वहीं से आप इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करेंगे तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहीं आकर हुक की तरह अटैच हो जाता है और वहां से खून चूसने लग जाता है। तो ये इसकी पूरी की पूरी कहानी होती है। ठीक है, इतना जहन में रखने के स्किन के जरिए आएगा और ये याद रखने के पहले लंग्स को इन्फेक्ट करेगा और वहां से ये फिर हमें इंजेस्ट करेंगे। और अगर इससे लंग्स में इन्फेक्शन करना हो तो इसके क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के साथ ये भी आ सकते हैं। ये कफ होता है, ब्लडी स्प्यूटम होता है और लंग्स में बाकायदा जिस तरह नमोनिया की कंसोलिडेशन होती है ना, पैची कंसोलिडेशन, और आप चेक करेंगे तो आपको एसिनोफिल काउंट बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि जो भी हेलमिंथिक इन्फेक्शन होते हैं वो आपके एसिनोफिल काउंट को रेज कर देते हैं, ना कि ल्यूकोसाइट्स को रेज करते हैं। ठीक है, तो एसिनोफिल काउंट अगर आपको ज्यादा मिलेगा तो आपको ध्यान फौरन जाएगा कि ये आपका नॉर्मल वाला नमोनिया जो कि बैक्टीरियल इन ऑरिजिन है वो नहीं है, ये आपका हेलमिंथिक इन्फेक्शन है। अच्छा, जब आपकी ये उसमें आ जाता है इंटेस्टिन में, तो इंटेस्टिन में इसके जो फीचर्स होते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आपका ब्लडी डायरिया हो जाता है। ठीक है, अब डायरिया होता है उसमें थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, कई बार ऐसा होता है कि ब्लड बहुत ज्यादा नहीं निकलता, ब्लडी डायरिया इन दैट सेंस नहीं होता कि आपको ब्लड नजर ही नहीं आता, ऑकल्ट ब्लड होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका एंकाइलोस्टोमा है वो लेता है 0.15 ml ऑफ ब्लड पर डे और जो दूसरा है वो 0.03 ml, तो 0.03 ml बिल्कुल ही अनडिटेक्टेबल होता है, 0.15 भी नहीं पता चलता। तो इस वजह से अगर हमें पेशेंट को एनीमिया फील कर रहे हैं हम और हमें सस्पिशन है तो हम फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसमें आपको ऑकल्ट ब्लड मिलेगा। ठीक है, फीसिस में अच्छा पेशेंट के वैसे मेजर प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या होते हैं कि उसको उसी तरह से एपिगैस्ट्रिक पेन है, वॉमिटिंग, नोजिया है, तो जाहिर जब एक पेशेंट आपके पास एब्डोमिनल भी नहीं एपिगैस्ट्रिक यानी कि वो कहेगा मेदे में दर्द और साथ मुझे नोजिया वॉमिटिंग है, तो आपका जहन एकदम से जाता है कि कहीं कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज तो नहीं है, कहीं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस तो नहीं है, क्योंकि ये चीजें पहले होती है ना जो आपकी इस तरह के इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि पेशेंट के लूज टूल्स हैं और उसके साथ आप उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की तरफ जा रहा होता है ध्यान, तो फिर आपका ध्यान जो है वो चला जाता है एंकाइलोस्टोमियासिस की तरफ। लेकिन आपने पेप्टिक अल्सर डिजीज को रूल आउट थोड़ा सा करना होता है बाय आस्किंग कि कोई इससे पहले आपको ऐसे एपिसोड हुए हैं कि आपको सीने में तजाबियत, दर्द मेदे में, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर होता है कि स्पाइसी फूड खाने के फौरन बाद उनको सीने में जलन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे रूल आउट होते हैं। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को रूल आउट करने के और तरीके हैं, तो आपने इस तरह से उनको रूल आउट करना होता है। और ये आपका एसिनोफिलिया, इसके जो फीचर्स हैं वो यही है कि पेट दर्द है, साथ वॉमिटिंग है, लूज स्टूल्स है और ऑकल्ट ब्लड होता है फीसेस में। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पेशेंट को डेवलप हो रहा होगा अगर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन है। इन्वेस्टिगेशन जब ब्लड सीपी करेंगे तो आपको एसिनोफिलिया मिलेगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका एसिनोफिल काउंट इंक्रीज होता है विच इज शोइंग कि ये कोई हेलमिंथिक इन्फेक्शन है, यहां पर आपको कन्फर्म हो जाता है। स्टूल टेस्टिंग कराते हैं फॉर ओवम तो आपको इसका करेक्टरिस्टिक ओवम मिल जाता है। फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट अगर आपको अभी भी शक है, फीकल ऑकल्ट ब्लड बेसिकली आप करवाते हैं जाते हैं आफ्टर योर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का एनीमिया जरा सा भी रिकवर नहीं हो रहा तो फिर आप चेक करते हैं कि क्या फीकल ऑकल्ट ब्लड अभी पॉजिटिव है, क्या अभी भी एनीमिया है पेशेंट को, और फिर आप स्टूल फॉर ओवम कराएंगे। अगर ओवम नहीं आ रहा, ऑकल्ट ब्लड आ रहा है तो फिर आप सोचते हैं कि कोई और मसला चल रहा है,
जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए फीकल ऑकुलोफ्लक्स की इंपॉर्टेंस है। बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन है और मैनेजमेंट में सिंपल आप एक डोज एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम दे दें, नथिंग एल्स इज नीडेड। ये नहीं अवेलेबल या कोई मसला है तो फिर आप मेबेंडाजोल 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली तीन दिन के लिए दे देंगे, ठीक है, बीडी डोज 100 मिलीग्राम तीन दिन के लिए, और आराम से इन्फेक्शन निकल जाता है। अगर पेशेंट का एनीमिया इतना ज्यादा हो चुका है, कई लोग बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, उनका बहुत सिवियर एनीमिया होता है, और आपको पता है कि क्रॉनिक एनीमिया जब आपका बहुत ही कम हो जाएगा ब्लड सेल्स, तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। तो अगर ऐसी चीजें हो तो आपने उस एनीमिया को अलग से फिर ट्रीट जरूर करना होता है बाय गिविंग आयरन, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, आयरन इंजेक्शंस देंगे, ठीक है, ताकि आपका एनीमिया ठीक हो जाए पेशेंट का। वरना अदरवाइज अगर नॉर्मल सा हो तो फिर एनीमिया खुद ब खुद ही रिकवर कर जाता है अलॉन्ग विद रिकवरी ऑफ द इन्फेक्शन। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो कि ना, थैंक यू।